सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, बॉलीवुड के सुपरस्टार सनी देओल ने मुसलमानों से किया एक बहुत बड़ा चैलेंज। आखिर ऐसा क्या कहा सनी देओल ने मुस्लिम भाइयों और बहनों से, जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। दोस्तों, अगर हम सनी देओल की बात करें तो बॉलीवुड में सुपरहिट मूवीज में काम करके आज सनी देओल ने दुनिया में काफी ज्यादा नाम कमाया है। दोस्तों, आज भारत देश में सनी देओल को बच्चा बच्चा जानता है। दोस्तों, सनी देओल ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हम सबको साथ में मिलकर रहना चाहिए और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। सनी देओल ने कहा कि मुसलमानों पर आज दुनिया में काफी ज्यादा जुल्म किया जा रहा है। सनी देओल ने उनके सभी चाहने वालों से कहा कि एक मुसलमान इंसान दिल से नेक और सच्चा इंसान होता है। सनी देओल ने कहा कि मेरे बचपन से काफी ज्यादा मुस्लिम भाई दोस्त है और वो दिल से बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। सनी देओल ने कहा कि मुसलमानों की एक सबसे खास बात यह होती है कि एक मुसलमान इंसान जो भी दिल और जान से इस्लाम धर्म को जानता है और समझता है, वो मुस्लिम इंसान कभी झूठ नहीं बोलता है। सनी देओल ने कहा कि इस्लाम धर्म में हमेशा सच्चाई का रास्ता बताया जाता है, इसीलिए एक मुसलमान इंसान जो दिल और जान से इस्लाम को चाहता है और समझता है, वो इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलता है। सनी देओल का कहना है कि वो जब भी अज़ान की आवाज को लाउडस्पीकर्स पर सुनते हैं तो उनके दिल और दिमाग को काफी ज्यादा सुकून मिलता है। वैसे दोस्तों, आप सब लोगों का क्या कहना है सनी देओल के बारे में, आप सब लोग हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना।